पीपल, तो आज देख सकते हो सब सामान फैला हुआ है, सारे कपड़े फैले हुए हैं और ये सूटकेस में मैं पैकिंग वगैरह कर रही हूँ। तो अभी तैयारी चल रही है, मुझे मुंबई निकलना है क्योंकि मेरा एक शूट आ गया है, तो इसलिए अब मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ऐसा होता है, तैयारी करनी पड़ती है बहुत सारी, आपको तो पता है, और जो गर्ल्स होते हैं उनको तो स्पेशली पता होगा कितना ज्यादा मतलब सामान ये सब चीजें पैक करनी होती है यार। तो उसी चीज में लगी हुई है, मैं इतनी टायर्ड फील कर रही हूँ, मैं टायर्ड हो गई हूँ, शक्ल में देखो कैसी हो गई है। तो बस ऐसे ही है, और क्या क्या रखना था। सुबह सुबह का टाइम है और मैं निकल गई हूँ एयरपोर्ट के लिए। फ्लाइट बहुत थोड़ी ऑन टाइम थी और मैं भी पूरा पूरा टाइम पे निकली थी, तो बड़ी भाग भाग कर आई हूँ मैं, बहुत गर्मी लग रही है। एंड तो बस अभी, और पता है क्या, अभी इसमें विस्तारा में, विस्तारा एयरलाइंस में आ रही हूँ, एक सेकंड में बैठ जाती हूँ। हाँ, तो विस्तारा से मैं आ रही हूँ, तो इसमें क्या कर दिया गया है कि खाली मुझे ऑन एयरलाइंस का नहीं पता, लास्ट टाइम मैं उससे आई थी, क्योंकि मैं जनरली मैं एक ही बैग कैरी करती हूँ, लेकिन मेरे को एक कॉस्ट्यूम का बैग भी कैरी करना पड़ गया ड्यू टू शूट, तो दो बैग हो गए थे मेरे पास। तो चेक इन में सिर्फ एक ही बैग अलाउड है फिलहाल, कोविड की वजह से। आई डोंट नो क्या इनका कुछ चेंजेस हुए हैं। तो मैंने बोला कि दोनों बैग का भी मिला के 15 kg नहीं है, क्योंकि 15 kg तो अलाउड है, लेकिन वन बैग ही अलाउड है, चाहे उसमें 15 kg हो या नहीं हो, या मतलब टू बैग मिला के अगर 15 kg से कम भी होगा तो अलाउड नहीं है फिलहाल विस्तारा में। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा कि अगर टू बैग है तो फिर, क्योंकि देखो मेरे को एक बैग यहाँ पर, ये जो ब्लैक वाला बैग है, ये मुझे अब हाथ में हैंड बैगेज में लेके जाना पड़ता है, मतलब फ्लाइट के अंदर, तो चेक इन में अलाउड नहीं था। तो दो दो बैग हो गए, दो दो बैग के साथ लेट हो रहे हो और भागना इज़ रियली अ टफ टास्क। तो मेरे को इतनी स्वेटिंग हो रही है, एंड अभी मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि मैं पहुँच चुकी हूँ बिफोर टाइम, 9:20 की बोर्डिंग है और अभी 9:20 नहीं हुए हैं। तो ये मैंने ना बहुत बार ऐसे किया है, कि मैं एकदम ये समझ लो कि उड़ती उड़ती फ्लाइट में बैठी हूँ। अभी तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है टचवुड ट्रैवल कर करके, क्योंकि कुछ नहीं पता होता आज यहाँ कल कहाँ, तो ड्यू टू शूट्स ऑब्वियसली, तो वैसा बस। अब बस बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे सीट नंबर इज 20F। फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ फ्लाइट में और बस अब 10:20 का टेक ऑफ है और फिर अंदर भी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम, पहुंच गई हूँ मैं मुंबई के एयरपोर्ट पर और फ्लाइट लैंड कर गई है। अब मैं जा रही हूँ बेल्ट से अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। मैंने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया, अब बस कैब लूँगी, एयरपोर्ट से बाहर जाऊँगी, कैब लूँगी और फिर अपने फ्लैट पर पहुँचा, वहाँ से रेडी होंगी, रेडी होके फिर स्टूडियो जाऊँगी शूट के लिए, तब दिखाऊंगी आपको फोन करी। अगर आप लोग कोई मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर इधर RT-PCR रिपोर्ट और आपका फुल्ली वैक्सीनेटेड वाला सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई एक होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आ चुकी हूँ स्टूडियो और मेकअप एंड हेयर स्टार्ट हो चुका है और बस उसके बाद फिर सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी जो मेरे को एक्टर्स हैं काला जी और सारा और महेश कृष्णा सब आ चुके हैं, अब बस सब ऑलमोस्ट रेडी हैं, मैं भी रेडी हो जाऊंगी फिर स्टार्ट करेंगे। मेरे हेयर कर रही हैं मीनाक्षी
पूरा नाम क्या है आपका? मीनाक्षी वर्मा। मीनाक्षी वर्मा? यस यस। ओके, हिमानी वर्मा के बाल बना रही हैं मीनाक्षी वर्मा। तो अगर आपको भी बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं इनसे, ये यही मुंबई में मिलती है। चलो मैं बनवा लेता हूं। इसको बनवाना है, सुमित को बनवाना है। और ये है मेरे डायरेक्टर, दिख रहे हैं क्या? मैं ठीक पकड़ रही हूँ क्या कैमरा? क्या है, लाइव किया? व्लॉग। व्लॉग कर रहे हैं? यस। ये इसको कुछ ऐसा समझो मत, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये रक्तांचल में वेब सीरीज कर चुके हैं और कर रहे हैं, है ना, और उसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी मूवीज कर चुके हैं। रेड कार्पेट पे मिस्टर चले हुए हैं। कौन से रेड कार्पेट पे चले हुए हैं? एक स्पेनिश फिल्म थी, हाँ, एक स्पेनिश फिल्म थी, उन्होंने तब इनको इन्वाइट मिला था। तो ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। Super. Please watch. Say hi. देखो कितना अच्छा शॉट चल रहा है। वाओ, पोस्टर शूट है। वाओ, मस्त है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा शूट ख़त्म हो गया था और मैं फ्लैट पे आ गई थी। अब हमें कुछ, ये मेरे साथ है काजल है, और हम लोग जा रहे हैं कुछ मंचिंग करने। पानी पूरी खाने का बहुत मन करा था। मुंबई की पानी पूरी मुझे बहुत पसंद है। आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद होती, लेकिन मुझे पसंद है उसका गर्म और ठंडे का जो फ्लेवर होता है ना, आई लव इट। और वहाँ पर एक वो भी है, मेरा फेवरेट है, MCGM गार्डन के बाहर ना एक सैलड मिलती है एक तरह की, तो वो अमेजिंग होता है। उसका सूप का टेस्ट जो होता है और सैलड, मतलब हेल्दी और टेस्टी, डिलीशियस। तो चलो मैं लेके चलती हूँ आपको। हम लोगों ने पानी पूरी खा ली है, बहुत यम थी, है ना, पेट भर गया, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, हमें बहुत मजा आया खाने में। और इतने दिनों के बाद कोई चीज खाओ ना तो कितना अच्छा लगता है ना। हाँ। मतलब बहुत टेस्टी। तुम्हारे इधर, तुम MP से हो ना? हाँ, वहाँ बहुत अच्छी मिलती है, लाइक चाट पानी पूरी। तो मतलब कैसे कैसे वाली मिलती है? ठंडी वाली मिलती है कि गरम? ठंडी नहीं, लाइक हाँ ठंडा भी, हाँ ठंडा भी, और कभी कभी गरम तो नहीं, बट ये नॉर्मल टेम्परेचर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे कि दिल्ली में ठंडी वाली मिलती है, लेकिन यहाँ का भी अलग है। कुछ मटर डाल के ठंडा गरम का मिक्सचर और कांदा डाल के, मतलब बहुत ही अमेजिंग होती है। तो वो उसका अपना टेस्ट है।
तो वो तो हमने खा लिया, खैर वो एक जंक खा लिया लेकिन क्योंकि हम रह नहीं पाए लेकिन हमने हेल्दी भी पैक कराया है, जो मैंने कहा था कि स्प्राउट सैलेड यहाँ पर मिलता है वो भी बहुत अमेजिंग होता है। मैं आपको घर जाके, क्योंकि हम खाएंगे क्योंकि अभी हमारा पेट फुल हो गया है और घर जाके मैं पिक्चर क्लिक करके आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने पिक्चर क्या मतलब लाइव दिखाएंगे यार, मतलब वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है चलो, मैं आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि जहाँ आप रहते हो वहाँ कोई स्टार सेलिब्रिटी रहता है कि नहीं ये वो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरे पीछे जस्ट पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये वाली बिल्डिंग, ये वाली जो बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें छोटे छोटे कॉलम दिख रहे हैं ब्राउन से कलर की, इस बिल्डिंग के अंदर मैं पास से भी जाके दिखाती हूँ आपको। तो ये बिल्डिंग के अंदर ये विंसर का ही प्रोजेक्ट है। तो ये बिल्डिंग के अंदर पहले आयुष्मान खुराना रहता था और अभी उसका जो ब्रदर है अपार शक्ति खुराना वो रहता है। और इसमें क्या कहते हैं उसको, सारा रहती है और कौन रहता है, किशोर मर्चेंट रहती है और सुरवीन रहती है और मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा नाम। गुरमीत एंड देबीना रहते हैं यहाँ पर और मतलब मोस्टली टीवी के कलाकार तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि वो रहता है ये जस्ट फ्रंट कैफे कॉफ़ी डे और स्टारबक्स के जस्ट ऑपोजिट ये बिल्डिंग है, तो यहाँ पर वो काफ़ी सारे स्टार्स रहते हैं जो हमें यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना 1BHK लिखा हुआ है ये, और ये जो कैफ़े है, कैफ़े की रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट है, प्रॉपर रेस्टोरेंट है। ये जो टीवी एक्टर है मोहित रैना, उसकी वाइफ का है, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। सामने से मैं आपको दिखा रही हूँ इस बिल्डिंग का व्यू, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और ये ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है, ये कुछ सालों पहले ही बनी है और अभी ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए। आज मैं वापस दिल्ली के लिए निकल रही हूँ, मेरी फ़्लाइट बुक है 4:00 की, तो बस मेरी पैकिंग शैकिंग सब हो चुकी है ऑलमोस्ट और मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से बॉम्बे से, क्योंकि मेरा शूट ख़त्म हो गया था और अब मुझे दिल्ली जाना है, फिर वहाँ से शायद कुछ और मुझे शूट के लिए कहीं और निकलना पड़े या फिर हो सकता है मुंबई वापस आना पड़े। लेकिन द थिंग इज़ कि मुझे वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी कुछ काम था तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। निकल चुकी हूँ मैं एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट के लिए, और मुझे लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स तो अंधेरी से एयरपोर्ट तक। बस रीच्ड ऑन मुंबई एयरपोर्ट, बस अभी अंदर जा रही हूँ। मेरी एयर इंडिया की फ्लाइट है, बहुत इनफ टाइम है आज तो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गई। मैंने सोचा चलो यार आराम से चल लेते हैं, क्या ज़रूरत है इतना, फिर क्या होता है कि दौड़ भाग वो, कहाँ है एयर इंडिया का काउंटर, आपसे बात करने के लिए ना मुझे मास्क नीचे करना पड़ता है अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है मुंबई में स्पेशली इसको लेकर, क्योंकि मैंने जब गुजरात ट्रैवल किया था तो इतना नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ तो, सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन भी कुछ खास नहीं पूछा था, नहीं पूछा था, यहाँ ही पूछा था। ट्वेल्व नंबर काउंटर पे मुझे जाना है, ये अब हमें नीचे जाना है और फिर वहाँ से देखो कितनी ग्रीनरी है ना इसके एयरपोर्ट के अंदर भी, आई लव ग्रीनरी, कितना ब्यूटीफुल कोकोनट आई मीन सॉरी पाम ट्री है और देखो फिशेस, वाओ इजंट इट ब्यूटीफुल। ये हमारा मुंबई का एयरपोर्ट है, मुंबई आई लव मुंबई, आई लव और रियल है, रियल जो रेड हार्ट बना है ना ये रियल पॉन्सेतिया प्लांट है जिसे हार्ट बनाया है, इट्स रियली ब्यूटीफुल, अमेजिंग।
सो अभी मुझे गेट नंबर, ऑल गेट्स आर मेंशन हियर एंड ऑल गेट्स स्ट्रेट ही जाना है. देख लो भाई, जिसने मुंबई का एयरपोर्ट नहीं देखा है, मैंने तो यहाँ पर इतना देख लिया है कि आज यहाँ, कल कहाँ, परसों कहाँ, तरसों कहाँ, पता नहीं चलता. ये द आयरिश हाउस है, ये भी मुझे बहुत पसंद है. यहाँ का फूड भी अच्छा होता है, स्नैकिंग एंड ऑल अच्छे होते हैं. ये सेम उधर अंधेरी की साइड भी है मुंबई में, और ये एयरपोर्ट पे भी है. यहाँ इधर बेड्स लगे हैं क्योंकि अर्ली जो लोग आ जाते हैं रेस्ट कर सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सो जाऊँ. वॉच के यू, अब लाउंज पे आ गई हूँ मैं. नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, कल ठीक से सोई नहीं थी, अब बस सो जाती हूँ. 4 o'clock की फ्लाइट है और अभी 1:30 हुआ है. बहुत आराम से सो जाऊँगी, फिर उठ जाऊँगी. इधर ये अच्छा, इधर एकदम शांति भी है और बेड्स चले हुए हैं, सो जाओ अपने, है ना. इधर सो के उठ गई हूँ, अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है और अब 3:15 हो गया, तो मैं जा रही हूँ अपने गेट नंबर पे, क्योंकि 4 o'clock ही है ना, तो इसलिए चलो चलते हैं. फिर वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ भी होता है बैठने के लिए ऑब्वियसली. सोने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा था. मैंने ऑल दो मैंने मेडिसिन नहीं ली, मैंने सोचा कि मुझे पता था कि ये सोने की वजह से हो रहा है, तो फिर बस अब चल रहे हैं. हो गई है ओटिंग स्टार्ट, तो मैं एकदम सही टाइम पे आई हूँ खुल के उठकर. फाइनली आई एम रीच्ड टू दिल्ली एंड वहाँ पर अभी टाइम हुआ है 6:30. तो हेडेक बहुत हो रहा था, आप सबको पता है कि बहुत सारा ट्रैवल कर करके और हेक्टिक शेड्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह हो जाता है. तो वो मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, मैंने बाम लगाया भी हेड में तो थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ आया. चांद तारे तोड़ मैं लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है. बस इतना सही ख्वाब है. दिल्ली एयरपोर्ट की मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है कि यहाँ जो मुद्रास दी गई है ना, ये हस्त मुद्रास, मुझे बहुत खूबसूरत लगती है. जितनी भी बार आते हैं उतनी बार कैप्चर करते हैं, फिर भी मन नहीं भरता. फाइनली रीच होम. पता है मैं वड़ा पाव खा रही थी, मैं वड़ा पाव पैक करा के एयरपोर्ट ले गई थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और मैंने 2 वड़ा पाव पैक कराए थे और एक मैं वड़ा पाव लेकर आई हूँ दिल्ली अपने घर. मुंबई का वड़ा पाव मैं यहाँ दिल्ली में खाऊंगी. अरे फ्लाइट से लेके आई हूँ तो खराब ही नहीं हुआ है ना, ऑब्वियसली खा सकते हैं, मतलब 1.5 घंटे में 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो दिस इज द बेस्ट थिंग. सो टायरिंग. तो देखा आपने मेरा दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली पूरा व्लॉग मैंने आपको सारा दिखाया कि कितना एफर्ट करना पड़ता है ना.